खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं विदेशी बाजारों में भी खाद्य तेल की कीमतें टूट रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राहकों को लगभग 6 रुपए किलो सस्ता खाद्य तेल मिला है। दरअसल सरकार ने तेल रिफाइनिंग करने वाली कंपनियों को सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के एक निश्चित मात्रा में शुल्क मुक्त आयात की छूट दी थी, लेकिन बाजार के इस कदम से विरोधाभास जैसी स्थिति पैदा हो गई। जिस खाद्य तेल का शुल्क अदायगी करने के बाद आयात हो रहा है वह थोक बाजार में लगभग 1 रुपए किलो सस्ता बिक रहा है, और सोयाबीन डिगम जैसे जिस खाद्य तेल को कोटा प्रणाली के तहत शुल्क मुक्त आयात करने की छूट मिली हुई है वह थोक बाजार में 10 से 12 रुपए किलो ऊंचा बिक रहा है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक अजीबोगरीब बात यह है कि जो देश अपनी 60% खाद्य तेलों की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हो, वहां के खाद्य तेल प्रसंस्करण करने वाली मिलों के सामने अस्तित्व बचाने का संकट पैदा हो गया है। एक कारण तो ये समझ में आ रहा है कि बंदरगाहों पर सस्ते आयातित तेलों की भरमार है, और इसके कारण देशी तेलों के दाम पर भारी दबाव है। इनके सामने देशी तेलों का खपना मुश्किल हो रहा है और देशी तेलों के दाम कम देखने को मिल रहे हैं। देशी तिलनों की कमी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कपास नरमा की जो आवक पिछले साल इस समय लगभग 2 लाख गांच की होती थी, वो आज घटकर लगभग 80 से 85 हजार गांच रह गई है, जिसका असर मुर्गी दाने के लिए उपयोग होने वाले डी ऑयल्ड केक और पशु आहार में उपयोग होने वाले खल पर भी हो रहा है। सस्ते आयातित तेल के सामने बेपरता होने से सोयाबीन पेराई के बाद अधिक लागत वाले खल का निर्यात नहीं हो पा रहा और उसका स्टॉक जमा होता जा रहा है। सरसों की आगामी बम्पर फसल होने की उम्मीद से सरसों कीमतों पर दबाव है। वहीं बम्पर फसल की संभावना के कारण सरसों के बचे स्टॉक निकाले जाने और साथ ही सस्ते आयातित तेलों के दबाव के कारण सरसों तेल तिलनों की कीमतों में गिरावट आ चुकी है। मांग कमजोर रहने और सस्ते आयातित तेलों के दबाव में उधर सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं विदेशी बाजारों की बात करें तो मलेशिया एक्सचेंज के कमजोर रहने से सीपी और पामोलिन के भाव कमजोर हो गए हैं। दरअसल निर्यात की मांग और खाने की मांग होने से मूंगफली तेल तिलहन में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर मंडियों में आवक घटने की वजह से बिनोला तेल कीमतों में भी मजबूती आ रही है। शॉर्ट सप्लाई के कारण सोयाबीन जीगम तेल में मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन बाकी अगर तेल तिलनों की बात की जाए तो उनमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।